प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और मेरा नाम राहुल जोशी है और लगभग आप ये लगा लो कि मुझे 10-12 साल का अनुभव है 11th 12th और कॉलेज को केमिस्ट्री पढ़ाने का। पहले भी आज से 6 साल पहले मैं केशवानंद विद्यालय में ही पढ़ाता था, तो मेरा इस विद्यालय से पुराना भी नाता है। देखिए, अपन सीधे तौर पे पढ़ाई की ओर चलते हैं। आप सब जानते हो कि इस समय जो आपके सिलेबस आएगा वो एनसीईआरटी का आएगा, और मैंने जैसे कि मालूम किया था कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक यौगिक और विलियन वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस चैप्टर को मैं भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि विलियन वाले चैप्टर में से आंकिक प्रश्न भी आते हैं और दोनों चैप्टर आगे आप नीट या जेई का एग्ज़ाम दोगे। भाई, कुछ बच्चे तो हैं जो एग्ज़ाम देंगे नीट या जेई का, तो दोनों लेसन वहाँ सिलेबस में भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं आपको 12th लेवल का प्लस कंपटीशन लेवल का वो पढ़ा दूंगा, है ना। फिर उसके बाद तीसरा जो लेसन है वैद्युत रसायन वाला आपका चल रहा था, जिसमें से बच्चों ने मुझे बताया कि सर कुछ वीडियो अलग टीचर ने बनाई, कुछ अलग ने बनाई, तो उसको अपन छोड़ देते हैं इस समय, क्योंकि उसको मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। आज मैं आपके सामने एक अलग अपन अध्याय प्रारंभ करेंगे, उसका नाम है पृष्ठीय रसायन। पृष्ठीय रसायन बेटा, ये अपने 12th में भी है और नीट जेई के सिलेबस में भी है पृष्ठीय रसायन। अब आप देखिए, अगर कोई विद्यार्थी लाइव क्लास ले रहे हो, आप लाइव क्लास ले रहे हो, तो पहले मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। यदि आपने कोई किताब कॉपी खोल रखी है तो उसको बंद कर दो, ध्यानपूर्वक सुनो। इसको देखो, पृष्ठीय रसायन 4 नंबर का लेसन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और नीट और जेई में तो है ही, ये सिलेबस में। पृष्ठीय रसायन, मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। एक लोहे की कील, बिल्कुल फ्रेश कील है, ये लोहे का टुकड़ा है बिल्कुल फ्रेश, इसको मैंने बाहर डाल दिया मिट्टी में, उस जगह नमी है वहाँ मैंने ये लोहे का टुकड़ा डाल दिया। बेटा, 4-5 दिन बाद आप क्या देखोगे, इस लोहे के टुकड़े के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसको आप बोलते हो जंग लगना। सब जानते हो, कोई विशेष नया उदाहरण मैं दे नहीं रहा हूँ, वही उदाहरण दूंगा जो दैनिक जीवन में आप देखते हो। इस कील को मैंने बाहर पटका, बिल्कुल फ्रेश थी, 4-5 दिन बाद आपने देखा कि इसकी सतह पर भूरे रंग की परत जम गई, जिसको आप जंग बोलते हैं। अब बेटा, मैंने क्या किया, इस लोहे के टुकड़े को बीच में से काटा, आरी लेके इसको काट दिया। तो बेटा, जब काटूंगा तो ये दो टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग, तो ये नई सतह और ये भी नई सतह, दो नई सतह बनेगी ना। मैंने ये देखा कि ये जो नई सतह है ये भूरे रंग की नहीं है, यानी जंग अंदर तक नहीं गई। जंग केवल कहाँ लगी है बेटा, सतह पर। जंग कहाँ लगी है, केवल सतह पर लगी है, जंग अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। क्लियर बात, सतह यानी पृष्ठ। तो लोहे की वस्तुओं पर जो जंग लगती है वो केवल कहाँ लगती है, पृष्ठ पर। कहाँ लगती है बेटा, पृष्ठ पर। आप देखो, रेगमाल लेकर आओ, रेगमाल से उसे घिस दो अंदर, वही चमकीला। तो जंग लगने की जो घटना है वो प्यारे विद्यार्थियों एक पृष्ठीय घटना है।
जंग लगने की घटना एक पृष्ठीय घटना है, तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं। एक उदाहरण और देता हूं आपको, देखो एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा, उसने एक मग्गे में जल लेकर और लाल रंग घोल लिया और उस जग में चौक डाल दिया सफेद रंग का। अब मैंने जब उस चौक को बाहर निकाला तो बेटा जो चौक की सतह है, चौक की सतह वो गीली हो गई और लाल रंग की हो गई, गीली और लाल रंग की। जब मैंने चौक को तोड़ा तो अंदर चौक गीला था परंतु लाल नहीं था, समझ रहे हो? लाल केवल, लाल रंग कहाँ था? केवल सतह पर था बेटा। परंतु जब मैंने चौक को तोड़ा तो अंदर यानी स्थूल अवस्था में अंदर तक केवल चौक गीला था, लाल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि जो रंग है वो केवल कहाँ पर इकट्ठा हुआ है? चौक की सतह पर, पृष्ठ पर। समझ में आ गई बात? रंग केवल कहाँ इकट्ठा हुआ है बेटा? सतह पर, पृष्ठ पर। ये दो उदाहरण मैंने वो दिए हैं जो दैनिक जीवन में देख सकते हो आप। तो बेटा रंग का केवल चौक के पृष्ठ पर इकट्ठा होना, इसी प्रकार जंग का केवल लोहे के पृष्ठ पर लगना, चांदी का टुकड़ा है, चांदी कितनी चमकीली होती है, चांदी की पजेब महिलाएं पहनती हैं, अंगूठी पहनती हैं, समय के साथ साथ काली पड़ जाती हैं। चांदी के आभूषण समय के साथ साथ क्या पड़ जाते हैं बेटा? काले। तो वो काला जो रंग है वो पृष्ठ पर दिख रहा है केवल। जब मैंने उस चांदी को तोड़ा, काटा, तो अंदर काला रंग नहीं था, अंदर वही चमकीली सतह थी। इसका मतलब चांदी पर जो काले रंग का पदार्थ जमा हुआ है वो केवल पृष्ठ पर हुआ है। किस पर हुआ है बेटा? पृष्ठ पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान की वह शाखा, भाई केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, केमिस्ट्री तो अथाह है। अब आप 11वीं में केमिस्ट्री को आपने 3 भागों में तोड़ दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तोड़ा है ना आपने। 2 किताबें थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो अलग ही थी, और 1 किताब जो फर्स्ट भाग थी उसमें फिजिकल भी थी प्लस इनऑर्गेनिक भी थी। ऐसे ही तुम्हारे 12th में है। तो बेटा हमने केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा, तो इसी प्रकार ये भी एक केमिस्ट्री की शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सी घटनाओं का अध्ययन करेंगे? पदार्थों के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन। क्लियर बन? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के पृष्ठ पर यानी उसकी सतह पर होने वाली घटनाओं का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। वह विज्ञान, वह शाखा पृष्ठीय रसायन कहलाती है, सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर बन? तो जंग लगना एक पृष्ठीय घटना है। कैसी घटना है बेटा? पृष्ठीय घटना। तो जंग लगने वाली घटना केमिस्ट्री के किस पार्ट में पढ़ी जाएगी? पृष्ठीय रसायन में। केमिस्ट्री के किस भाग में पढ़ी जाएगी जंग लगने की घटना? पृष्ठीय रसायन में। आ गई बात समझ में? पाठ प्रारंभ हो रहा है यहीं से। इस पाठ का पहला प्रश्न यही है कि पृष्ठीय रसायन किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल बात है, पृष्ठीय रसायन कहते किसे हैं? ये प्रश्न ऐसे समझो जैसे राम के पिताजी का क्या नाम था। तो पृष्ठीय रसायन का मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
पदार्थों के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है। क्लियर है बात? ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत है जितना मैंने कर दिया। अब बेटा देखिए, ये जो पार्ट है इसमें हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे, तीन टॉपिक पढ़ेंगे बेटा इसमें। पहला पढ़ेंगे अधिशोषण। मेरे हिसाब से आप जानते हैं ग्यारहवीं क्लास में ये शब्द आया था, अधिशोषण तीन बार आया था ग्यारहवीं क्लास में। अभी मैं बता दूंगा, वो तो आपके दिमाग में आ जाएगा सब रिकॉल। अधिशोषण पहली घटना ये पढ़ेंगे हम इस पाठ में। दूसरी घटना है उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। और बेटा तीसरी घटना है कोलाइड। ये पाठ तीन भागों में बटा हुआ है, अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलाइड। समझ रहे हो? प्रश्न इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है। अगर कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी करेगा इन फ्यूचर, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उत्प्रेरण और कोलाइड वाला। जैसे मान लो किसी बच्चे को नीट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है। मैं कल शाम को ही एक बुक्स पढ़ के आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी को बुक्स पढ़ने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई। बेटा एक सफल अध्यापक और सफल वकील वही होता है जो निरंतर पढ़ाई करता है। वकील भी जब जाता है ना किसी केस की पैरवी करने के लिए, तो वो पुराने जनरल्स, पुरानी किताबों को पढ़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के केस में कैसा डिसीजन दिया है, तभी तो वो जज को भ्रमित करता है। इसी प्रकार टीचर भी वही होता है जो निरंतर पढ़ता है। तो मैं बेटा एक कंपटीशन की बुक देख के आया था शाम को, आदि बस ये है कि आपको दो घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, मुझे 20 मिनट पढ़ने की आवश्यकता रहती है। तो वहाँ कई प्रकार के प्रश्न उत्प्रेरण और कोलाइड में से आए हुए थे पुराने कंपटीशनों में। मैं सब बताऊंगा, आप चिंता मत करो, मस्त रह के पढ़ाई करो। आपको तो बस ये है कि पढ़ना है, समझ में नहीं आए तो वो मुझसे अगले दिन किसी न किसी माध्यम से पूछना है, तब तो आप प्रोग्रेस करोगे। अपन सबसे पहले आते हैं अधिशोषण पर, अधिशोषण। तो बेटा ये देखिए, मैंने ये तो रख देता हूँ मार्कर नीचे और आपको एक कहानी सुनाता हूँ अधिशोषण। बेटा पैलेडियम धातु, सुना होगा आपने नाम पैलेडियम या प्लेटिनम या निकिल, कोई सी भी एक धातु का टुकड़ा ले लिया मैंने, ये रहा पैलेडियम का टुकड़ा ले लिया मैंने, बिल्कुल तरोताज़ा कटवा के लेके आया हूँ अभी। इसका भाई मैंने वजन नाप लिया, ये फिक्स 5 ग्राम का है या 10 ग्राम का है या 15 ग्राम का है। इस पे डिस्कस मत करना कि गुरुजी या तो 20 ग्राम का है या तुम्हारे हाथ में जो है, आपके दिमाग में सेट कर रहा हूँ। ये भाई 10 ग्राम का टुकड़ा बिल्कुल फिक्स मैंने भौतिक तुला पे तोला है, भौतिक तुला पे। ये धनिया प्याज तोलने वाली तुला पे नहीं तोला मैंने, भौतिक तुला पे तोला है जिसमें सुनार तोलता है, सुनार वाला कांटा। 10 ग्राम का है भाई साहब, 10 ग्राम का टुकड़ा है ये। और भैया ये एक सिलेंडर है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भरी हुई है इस पे। बिल्कुल ढंग से समझना, तरीके से दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रख के, ये अगर कहानी समझ में बैठ गई तो भैया पाठ समझ में आ गया। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि नया मास्टर जो आपको पढ़ा रहा है उसकी लैंग्वेज आपके दिमाग में जा रही है कि नहीं जा रही है। वैसे जानी चाहिए, मैं आपसे कोई ज़्यादा दूर का नहीं हूँ। हाइड्रोजन गैस भरी पड़ी है इसमें। अब
ये 10 ग्राम का टुकड़ा मैंने भैया इसमें डाल दिया सिलेंडर में, क्लियर बन, सिलेंडर में डाल दिया। एक मैंने दाब मापी लगा दिया, क्या लगा हुआ है, दाब मापी, दाब मापी, जो दाब ज्ञात करेगा इस गैस का, गैस का क्या ज्ञात करेगा बेटा, दाब, गैस का दाब, दाब मापी गैस का दाब ज्ञात करेगी। चलो अभी छोड़ दो, आप दाब मापी को दिमाग में मत लाओ, क्योंकि 2-4 बच्चों का चेहरा मुझे दिख रहा है, वो उनके दिमाग में कुछ सेटिंग सी गड़बड़ाई हुई है। तो बेटा देखो, मैंने 10 ग्राम पैलेडियम धातु का टुकड़ा इस सिलेंडर में डाला और थोड़ी देर बाद मैंने टुकड़े को बाहर निकाल लिया, थोड़ी देर बाद, पता है। अब इस टुकड़े का वजन पहले की तुलना बढ़ गया, सिलेंडर में से जब टुकड़ा मैंने सिलेंडर में डाला जब, तो 10 ग्राम का डाला, और बेटा जब सिलेंडर से बाहर टुकड़ा निकाला ना, और फिर मैंने भौतिक तुला पे टुकड़े को, पैलेडियम धातु के टुकड़े को या प्लेटिनम धातु के टुकड़े को तोला, तो इसके वजन में क्या हो गई, वृद्धि। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार 10 ग्राम का मैंने टुकड़ा डाला है, इस टुकड़े पे कुछ हुआ भी नहीं, वैसा की वैसा दिख रहा है, तो इसका वजन कैसे बढ़ गया। अब मैं इसको प्रयोगशाला में लेके गया, मैंने इस टुकड़े को देखा, तो बेटा मुझे क्या दिखा कि इस टुकड़े की सतह पर, इस टुकड़े की सतह पर कौन सी गैस के अणु जमे हुए हैं, हाइड्रोजन के। कौन सी गैस के अणु जमे हुए हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन गैस के अणु इस टुकड़े की सतह पर एकत्रित हैं, जमे हुए हैं। अब मैंने इस टुकड़े को बीच में से काटा, ये काट दिया, तो काटा तो बताओ ये दो नई सतह बनी कि नहीं बनी। इन सतहों पर हाइड्रोजन गैस के अणु नहीं है, इसका मतलब बताओ हाइड्रोजन गैस का जमाव केवल कहाँ हुआ है, पृष्ठ पर, सतह पर हुआ है, हाइड्रोजन गैस के अणुओं का प्रवेश अंदर तक नहीं हुआ, अंदर तक। इसे केमिस्ट्री की भाषा में, विज्ञान की भाषा में बोलेंगे स्थूल। तो बताओ इस पैलेडियम धातु के टुकड़े पर हाइड्रोजन गैस का जो जमाव है वो केवल कहाँ हुआ है, सतह पर, पृष्ठ पर हुआ है, स्थूल अवस्था तक नहीं हुआ, अंदर तक थोड़ी गई है हाइड्रोजन, ये मैंने काट के देख ली। तो हाइड्रोजन गैस का जमाव केवल कहाँ पर है बेटा, पृष्ठ पर। तो बताओ ये पृष्ठीय घटना हुई कि नहीं हुई, बोलो हुई कि नहीं हुई पृष्ठीय घटना, बिल्कुल हुई। अब सुनिए, तो किसी ठोस या द्रव, किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर, किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर अन्य पदार्थ, कोई अन्य पदार्थ, वो अन्य पदार्थ ठोस भी हो सकता है बेटा, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। ठोस या द्रव के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ का एकत्र हो जाना कौन सी घटना कहलाती है, अधिशोषण। कौन सी घटना कहलाती है बेटा, अधिशोषण। तो अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के पृष्ठ पर
दूसरे पदार्थ का जमाव हो जाता है। क्लियर बात? अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जिसके अंतर्गत एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर संचित हो जाता है, जम जाता है, एकत्र हो जाता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? किसी ठोस या द्रव की सतह पर, किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ का एकत्र हो जाना अधिशोषण कहलाता है। इस पार्ट का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, अधिशोषण किसे कहते हैं? क्लियर बन? कोई दिक्कत है? और आपको नोट्स वगैरह जो है वो लिखवाएंगे और बढ़िया। समझ में, दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए आप। बिल्कुल सिंपल परिभाषा, कोई भी ठोस या द्रव, कोई भी ठोस या द्रव की सतह पर दूसरे पदार्थ का संचित हो जाना, जमा हो जाना अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अधिशोषण। जैसे कि अभी आपने मुझे उदाहरण बताया था कि सर पैलेडियम धातु के टुकड़े पर कौन सी गैस अधिशोषित हुई थी? हाइड्रोजन। पैलेडियम धातु के टुकड़े पर कौन सी गैस अधिशोषित हुई थी बेटा? हाइड्रोजन। ये पैलेडियम धातु का टुकड़ा और इस टुकड़े के पृष्ठ पर हाइड्रोजन गैस का जमाव, ये लो, ये गोल गोल जो है ये तो पैलेडियम धातु का टुकड़ा है और ये क्रॉस क्रॉस जो मैंने बनाए हैं ये हाइड्रोजन गैस का अणु है। बताओ पृष्ठ पर जमा हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ जमा हो गया बेटा? पृष्ठ पर। तो ये घटना क्या कहलाएगी? अधिशोषण। क्या कहलाएगी बेटा? अधिशोषण। अब दो बात और समझाऊंगा, उसके बाद खत्म कर दूंगा मामला। आज कम, कल उससे ज्यादा, परसों उससे ज्यादा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल फिर उससे कठिनाई स्तर, है ना? एकदम से चांद पे नहीं पहुंचेंगे अपन, गिरने की पूरी संभावना है। धीरे धीरे चलेंगे फर्स्ट क्लास तरीके से। समय बहुत है, चिंता मत करो। लॉकडाउन अभी 2 साल और चलेगा। पैलेडियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण। अब दो पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो पैलेडियम धातु है और एक हाइड्रोजन गैस है, दो है भाई। पृष्ठ किसका काम आ रहा है? अरे पृष्ठ किसका काम आ रहा है? पैलेडियम का। किसका काम आ रहा है? पैलेडियम का। वह पदार्थ जिसका पृष्ठ काम आता है, जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण की घटना घटित होती है, वो क्या कहलाता है बेटा? अधिशोषक। इसको समझो तुम हल्दी घाटी का मैदान, क्योंकि इसी पे तो होगी लड़ाई जो होगी वो। ये तो हल्दी घाटी का मैदान है, इसी पे होगी महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच। भाई जो अकबर थोड़ी लड़ा था महाराणा प्रताप से, मान सिंह को भेजा था उसने, तो मैदान पे तो हुई थी। तो ये भी तो मैदान है, ये रहा पृष्ठ। तो ये जो अधिशोषक है, अधिशोषक वह पदार्थ होता है जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण की घटना घटित होती है। और बेटा अब बचा हाइड्रोजन गैस। ये वो पदार्थ है जो दूसरे के पृष्ठ पर इकट्ठा होता है, ये वो पदार्थ है जो अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित होता है या संचित होता है। इसे बेटा
अधिशोष्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अधिशोष्य। मैंने तीन परिभाषाएं आपको बताई, आज चार। पहली परिभाषा पृष्ठीय रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन। दूसरी परिभाषा मैंने बताई है अधिशोषण, किसी पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ का संचित हो जाना, इकट्ठा हो जाना, जम जाना, केवल पृष्ठ पर, स्थूल अवस्था में नहीं, पृष्ठ पर, यह घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण। तीसरी परिभाषा मैंने बताई है अधिशोषक की, अधिशोषक वह पदार्थ होता है जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, सही है ना। और चौथी क्या बताई थी बेटा? अधिशोष, अधिशोष वह पदार्थ होता है जो अधिशोषक के पृष्ठ पर, यानी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर जमा होता है। क्लियर बात? ये चार परिभाषाएं। अब आपका मैं कार्य बता देता हूं, आज क्या करना है आपको बेटा। घर ये ऑनलाइन क्लास पढ़ने के बाद आपको किताब खोलनी है, उसमें पृष्ठीय रसायन वाला टॉपिक आपको निकालना है, और ये चार घटनाएं उस पाठ के स्टार्टिंग के पन्ने पे ही मिलेगी आपको। इन चारों घटनाओं को दिमाग में सेट करना है, ये चारों घटनाएं दिमाग में सेट हो जाएगी, आगे पाठ चुटकियों में समझने में लग जाओगे। नहीं, मैं बीच बीच में बोलूँगा अधिशोष और आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे अधिशोष होता क्या है। तो इसको दिमाग में सेट करना है, इन चारों घटनाओं को, एक दो तीन चार, पहला काम तो ये दे रहा हूँ। दूसरा बात बता देता हूँ बेटा, सभी बच्चों को बता रहा हूँ, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए बेटा, इधर देखो, एक मोटिवेशनल स्टोरी है, मैं बच्चों को बताता हूँ, कई प्रकार के ढेरों मोटिवेशनल स्टोरी मेरे पास है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ दिमाग को किस प्रकार से पढ़ाई में लगाया जाए, एक जुनून भी होना चाहिए। अगर जुनून नहीं होता तो एकलव्य विश्व का सबसे बड़ा धुरंधर नहीं होता, पता है ना आपको, जिसने भौंकते कुत्ते को रोक दिया और उसके अंदर जख्म भी नहीं हुआ, एकलव्य, उसको किसी गुरु ने नहीं पढ़ाया, परंतु जुनून था उसमें कि मुझे कुछ करना है। और ये सत्य घटनाएं हैं, ये सत्य घटनाएं हैं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थितियां कमजोर होती हैं, वो आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं, जुनून। और जिनके माँ बाप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु बच्चों में जुनून नहीं है तो वो सक्सेस नहीं होते हैं। जुनून होना बहुत ज़रूरी है। एक हिरण और एक शेर, दोनों जब सुबह उठते हैं, दोनों बेटा जब सुबह उठते हैं, तो हिरण के दिमाग में एक बात आती है कि आज मुझे कल से तेज भगना है, आज मुझे कल से तेज भगना है, क्योंकि कल मैं शेर के झपट्टे से थोड़ा सा रह गया था, अगर मैं तेज नहीं भगूंगा तो आज मारा जाऊंगा। और यही दिमाग ख्याल शेर के दिमाग में आया सुबह उठते ही कि आज मुझे तेज भगना है, अगर मैं आज तेज नहीं भगा तो कल की तरह भूखा सो जाऊंगा, क्योंकि कल हिरण तेज भग गया था और मैं तेज नहीं भगा तो मैं भूखा सोया, और आज भी अगर मैं तेज नहीं भगूंगा तो आज मैं भूखा सो जाऊंगा। बताओ दोनों में कंपटीशन है या नहीं है? दोनों में तेज भगने का कंपटीशन है। एक ये कह रहा है कि मैं तेज नहीं भगा तो मर जाऊंगा, वो तो हिरण कह रहा है, और शेर ये कह रहा है कि मैं अगर तेज नहीं भगा
तो भूखा सो जाऊंगा। दोनों में कंपटीशन है, एक को भूख की है और एक को अपने जान बचाने की है। तो बेटा ये जो है हिरण, ये आप ही के क्लास में बैठा हुआ वो विद्यार्थी है जिसकी परसेंटेज 90 से ऊपर है, ये आपकी क्लास में बैठा है वो हिरण। एक हो सकता है, पांच हो सकते हैं, दस हो सकते हैं। और शेर भी आपकी क्लास में बैठा है, ये वो है जिसकी परसेंटेज 67, 68, 70, 72, 52, 54 है, ये भी तुम्हारी क्लास में ही बैठा है। कंपटीशन का दौर है, ये हिरण को डिफीट करना चाह रहा है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में शेर की भावना आ जाए कि मुझे आज दौड़ना है ताकि मैं भूखा ना सो पाऊं, तो भैया वो बुलंदियों को चूमेगा। इसके मन में, इस बच्चे के मन में विचार है कि मुझे वो 90% वाला क्रॉस करना है यार, गुरुजी वही के पीछे पीछे डोलें, हमसे पूछे भी ना है, मुझे उसको मात खवानी है। तो ये 90% वाला क्या सोच रहा है कि बारहवीं में 95 में लेके आनी है। तो बताओ कंपटीशन है या नहीं है? ये कंपटीशन हिरण और शेर वाला यदि तुम्हारी क्लास में पैदा हो गया ना, तुम मेरा नाम रोशन कर दोगे, खुद का तो होएगा ही भाई, मैं भी तो स्वार्थी हूं, जब तुम्हारा नाम रोशन होएगा तो मेरा भी होएगा। तो बेटा ये कंपटीशन की भावना है, आप अपने दिमाग में रखिए। मैंने चार परिभाषाएं आपको आज याद करने के लिए दी हैं, इनको याद नहीं दिमाग में सेट करना है। क्लियर है बात? और आगे का टॉपिक कल पढ़ाएंगे, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो।